लॉकडाउन की मार झेल रहे साइकिल में पंचर बनाने वाले गरीब दुकानदार, मुजफ्फरनगर में रॉयल सिनेमा रोड पर साइकिल ठीक करने वाले, साइकिल में पंचर बनाकर रोजी रोटी कमाने वाले गरीब मजदूर अब्दुल करीम ने नेटिजन न्यूज़ के संवाददाता असलम राजा को अपनी पूरी दास्तान सुनाते हुए बताया कि जब से लॉकडाउन लगा है तो उसकी रोजी रोटी समाप्त हो गई है। साइकिल ठीक कराने वाले भी ग्राहक बहुत ही कम आते हैं। हालत इतनी ख़राब है कि दो दिन बाद बकरीद का त्यौहार है, लेकिन उसके पास इतने भी पैसे नहीं कि वह अपने और अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद सके। बामुश्किल घर का गुजारा हो रहा है। अब तो भूख मरने की नौबत भी आ गई है। ऊपर से मौसम ख़राब होने के कारण छत भी टपक रही है, जिसमें कोई दुर्घटना भी हो सकती है। पीड़ित अब्दुल करीम ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसने प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन भी किया था, लेकिन अभी तक उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं प्रदान कराई की गई और मकान की छत किसी भी समय गिर सकती है और घर में पानी भरा हुआ है। बहुत बड़ी मजबूरी में वह जीवन जीने को मजबूर है। नाम मेरा अब्दुल करीम, महल्ला गढ़ी गोरवान, मकान नंबर 57, मकान में कितना बढ़ा जाना वो जाएगा ना। पहले ढाई लाख के मेरे में एक किस्त आई हुई है, अभी तक किस्त आई नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं बताइए पूरी बात खुलकर। मुझे कहना चाह रहा हूँ मकान कितना बढ़ा हुआ, मकान नंबर 57 है, एक किस्त मकान की आई हुई है, दूसरी किस्त आई हुई नहीं। प्रधान 6 महीने हो गए, 7 महीने तक की किस्त नहीं आई दूसरी। आप बता रहे थे क्या चू रहा है। देखो चू रहा है, मकान सारा तोड़ रखा उन्होंने, डायलॉग के उन्होंने मकान कितना बड़ा है, किस्त आई थी 50,000 की, दूसरी आई नहीं। अब तक परेशान हो गए, मकान किराए के मकान में रह रहे, बड़ी परेशानी का सामने उठाना पड़ रहा। कोरोना के चलते क्या मुश्किलें आ रही हैं आपके ऊपर। जो आप ही व्यवसाय करते हो उसमें कस्टमर नहीं है। क्या कार्य करते हैं आप। मैं साइकिल वाला काम करता हूँ। तो लॉकडाउन के कारण काम नहीं है।